अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का सीन ये है कि हम जा रहे हैं एक शादी में, जो कज़न के कज़न की शादी है। और मैंने कहा यार, एक छोटा सा व्लॉग बना दिया जाए और आप लोग के साथ भी शुगल हो जाएगा। तो वैसे तो शादी में जाने का मकसद मेरा एक ही होता है, सिर्फ खाना खाना और फिर वापस आ जाना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज जबकि वर्ल्ड कप है यार, फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना, लेकिन मैंने कहा यार, ये शादी का मौका बार बार नहीं आता, वैसे वर्ल्ड कप का भी नहीं आता, तो वहाँ पर हाईलाइट्स भी देख लेंगे और आपके साथ भी थोड़ी सी शेयरिंग कर लेंगे कि हम शादी में करते क्या हैं। और खाना चाना होगा तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मिलते हैं आपसे वहाँ पर। Alright guys, so वलीमे में पहुँच चुके हैं और बस थोड़ी देर में शायद खाला खुलने वाला है और मैं आपको दिखा देता हूँ। हॉल बहुत ज़बरदस्त है यार। और यार, एम्बापे ने दो गोल मार दिए, स्कोर चल रहा है 2-2 यार। तो मुझे लग रहा है कि फ्रांस जी सकती है, क्योंकि एम्बापे अगर निकल गया ना तो हाथ पे नहीं आता भाई, मैं नहीं मानता। ऑलराइट गाइस, स्कोर बहुत खतरनाक चल रहा है, 3-3 हो गया है। एम्बापे ने मार दिया भाई हैट्रिक और ये जा रहा है पेनल्टी पे, जा रहा है भाई, सारा गेम पेनल्टी पे जाएगा और या तो आर या तो पार। अब गेम है एंड पे और हम दोनों है रोनाल्डो फैन। चल झूठा, लेकिन सपोर्ट जब भी अर्जेंटीना को कर रहे हैं क्योंकि मेसी भी अपना भाई है यार, अपना ही है, गोट है, यही दोनों तो थे गोट यार। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से फ्रांस पेनल्टी में जीत जाएगी, लेकिन अर्जेंटीना भी एक्सपीरियंस ज़्यादा बुरा नहीं है, पेनल्टी में मार देते हैं भाई वो भी। तो देखते हैं अब थोड़ी देर में क्या होता है। ओके गाइस, तो मैच एंड होने पर आ रहा है और टाइम हो गया है 120+3 मिनट्स और ये जा रहा है पेनल्टी पर। अब दिल करेगा धक धक और देखते हैं अब क्या होता है, बस आपको अपडेट देंगे क्योंकि हम शादी में आए हैं, वरना तो मैच कल आपको लाइव दिखा देंगे क्या चल रहा है। और थोड़ी सी यू नो शोर शराब अभी होता है, लेकिन खैर है यार। एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि भाई टेबल पे मेन्यू भी रखा हुआ है, ये देखिए मैंने अभी भी देखा है और मेरे कज़न साथ ने दिखाया मुझे, और अभी बस जा रहे हैं, खाना लग गया है यहाँ पे, ये देखें और बस आपको दिखाते हैं। और मैच तो यार चला गया पेनल्टी पे। हाँ सुबह क्या खा रही हो फिर, है वो बिरयानी ली है तुमने? नहीं कहाँ से चाहिए, ये वाली ऐसा ही सही यार। चलो यार हम यहीं से स्टार्ट करते हैं यार, बहुत सारी चीज़ें देखें, आप इंजॉय करें, नहीं बता दो कि मैं इंजॉय कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता, टेस्ट करके बताएंगे खाना कैसा है। चले भाई हमारी आ गई बारी यार, कोई प्लेट दे दे यार। हाँ प्लेट दे दो, कोई टेबल दोनों तुम्हारी है, इतना हो गया भाई है, आते हैं वही में आते हैं यार, कोई प्लेट ही नहीं दे रहा यार, खुद लेनी पड़ेगी लग रहा है प्लेट। यार यार ये देखें यार, माल खराब कर दिए मेरे सारे, क्योंकि मैंने वापस सही कर दिया। अच्छा भाई यहाँ पे है ही नहीं प्लेट। ओके गाइस, तो अभी पता चला है कि प्लेट जो है टेबल पे है, वहाँ पे नहीं है जहाँ पे खाना लगा हुआ है, तो हम बात मिलते हैं आपसे। फाइनली बारी आ गई हमारी और हम नहीं गए। हाँ निकालो निकालो भाई निकालो, अपना काम कर। ये डाल ले हम सीख कबाब व्लॉगिंग यार, सब्सक्राइब कर देना आप, सही है जी। समीर अहमद खान किसी के नाम से व्लॉग को है, सही है ये बात की ना लगे यार, ताफ्तान की बात ये लगे, स्वीट होती है यार खाने में, मतलब मीठी होती है स्वीट, तो बर्गर हो गया थोड़ा सा। तो ये हो गया गाइस, फाइनली अर्जेंटीना मैच जीत गए, 4-2 हो गया और ये खत्म, गेम खत्म। और हमेशा की तरह मेसी सबकी फाड़ के रख दिया, क्या यार अब ये डिबेट खत्म हो गई, मुझे लगता है रोनाल्डो मेसी वाली, मेसी जीत गया वर्ल्ड कप, अभी हम बिजी हैं। ऑलराइट गाइस, तो अर्जेंटीना मैच जीत गई है 4-2 से और मेसी जीत गया है वर्ल्ड कप, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अब हमारी डिबेट शायद ख़त्म हो सकती है, लेकिन अगर चैंपियंस लीग जीत गया ना मेसी तो मतलब फिर ज़्यादा चांसेस है कि ये डिबेट ख़त्म हो जाए रोनाल्डो मेसी की, जो कब से राइवलरी चल रही है 17 साल से, तो ये ख़त्म हो सकती है अगर शायद चैंपियंस लीग जीत जाए। वैसे तो वर्ल्ड कप जीत गया तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि इस पर डिबेट बन पाए। बाकी ये है कि यार खाना वाना खा लिया, अच्छा खाना था, मटन शटन खाया और ताफ्तान वगैरह थी, अभी मीठा नहीं खाया मैंने, अभी मैं चेक करूँगा कि है या नहीं, क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ, तो बातें बातें में लग गए थे यार। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग या किसी और वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।